हैं गंगानगर से दिलबाग जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर मेरे पैरों में दर्द है, पैर सुन्न है। कब से है दिक्कत परेशानी? ये पैर लगभग 20 साल हो गया। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 39। हाँ देखिए हेलो। जी, और कोई सवाल? और मेरे हाथों में, पैरों में और टांगों में कड़लने पड़ती हैं, ठीक है, मैं समझ यानी गया। कड़ल बोलते हैं, वैसे नाड़ पर नाड़ जो चढ़ती है वो खूब ही है, ज्यादा है। अच्छा देखिए, हमारे जिस्म में दो जगह ज़्यादातर नसें दब जाती हैं। एक तो हमारी कूल्हे से ऊपर, हिप से ऊपर डिस में, कमर में जो नसें टांगों की तरफ जा रही हैं तो कमर में दब जाती हैं, जिससे तीन तरह के नुकसान होते हैं, तीन या चार तरह के नुकसान। पैरों में का सुन्न होना, इसमें आम बात है। पैरों में दर्द होना या खिंचाव होना आम बात है, और पैरों में जलन होना, ये बहुत कम लोगों को होता है। तो आपके कमर की नसें दबी हुई हैं, और जहाँ जहाँ भी नसें दबती हैं उनमें एक जगह यहाँ हमारी गर्दन के पीछे की डिस में नसें दबती हैं, जिससे हमारे हाथों में भी सुन्नपन आता है या खिंचाव आता है या दर्द आता है, या कोहनी में दर्द आता है, मोढ़े में दर्द आता है। तो बड़े उम्र के लोगों को ये ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसके लिए एक गोंद, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, असली खरीदिए, नकली बहुत मिलता है। गोंद स्याह, स्याह कहते हैं काले को, गोंद स्याह आप खरीद लीजिए, और आधा ग्राम, बस आधा ग्राम मतलब दो चुटकी सुबह नाश्ते के बाद और आधा ग्राम रात को खाने के बाद, दूध या पानी से ले लिया करिए, आपकी समस्या का हल होना मुमकिन है।